इस फिल्म को बायोपिक कहना गलत होगा क्योंकि धोनी की जिंदगी को यह उस सूक्ष्मता के साथ पेश नहीं करती जो कि बायोपिक की अनिवार्य शर्त होती है। फिल्म में धोनी की जिंदगी में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश है। फिल्म के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें अनकही कहानी दिखाई गई है। पहला हाफ धोनी के भारतीय टीम के चयन के पहले का हिस्सा है। इसमें कुछ नई बातें पता चलती है, जैसे एमएस की क्रिकेट में रुचि नहीं थी, स्कूल टीम के विकेट कीपर ने अपना नाम वापस ले लिया और गोल कीपर धोनी को विकेट कीपर बना दिया गया। जब वे मैदान में बाउंड्री लगाते थे तो दुकानदार, टीचर और विद्यार्थी मैदान पर धोनी का खेल देखने पहुंच जाते थे। पहला पोस्टर उन्होंने सचिन तेंदुलकर का खरीदा था। हेलीकॉप्टर शॉट उन्होंने अपने संतोष नामक दोस्त से सीखा था। इंटरवल के बाद का हिस्सा धोनी के भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने के बाद का है। यहाँ पर धोनी की जिंदगी में आई दो लड़कियों के बारे में भी बताया गया है। फिल्म का पहला हाफ बेहद प्रभावी है और नीरज पांडे ने थोड़ा नमक मिर्च लगाकर धोनी की कहानी को दिलचस्प बनाया है। धोनी को स्टार क्रिकेटर बनते देखना अच्छा लगता है। इंटरवल के बाद फिल्म थोड़ी लड़खड़ाती है। धोनी की प्रेम कहानियों से भी नई बातें पता चलती है, लेकिन इन्हें जरूरत से ज्यादा फुटेज दिए गए हैं। यहाँ पर दर्शक जानना चाहते थे कि ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या होता था, धोनी किस तरह से बतौर कप्तान अपनी रणनीति बनाते थे, करोड़ों उम्मीद का तनाव कैप्टन कूल किस तरह झेलते थे, उन्होंने अचानक टेस्ट क्रिकेट को अलविदा क्यों कह दिया। धोनी पर यदि फिल्म बन रही है तो इन बातों का फिल्म में समावेश किया जाना जरूरी लगता है। ये लेखक की कमजोरी को दर्शाता है। इसी तरह धोनी के भाई नरेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी फिल्म में कुछ नहीं बताया गया है। निर्देशक के रूप में नीरज पांडे का काम उम्दा है। उन्होंने धोनी के स्टार बनने से पहले की कहानी को मनोरंजक तरीके से दिखाया है। नीरज के कहानी कहने का तरीका ऐसा है कि उन लोगों को भी फिल्म अच्छी लगती है जिन्हें खेल में ज्यादा रुचि नहीं है। फिल्म 3 घंटे से भी ज्यादा लंबी है और ज्यादातर समय वे दर्शकों को फिल्म से जोड़ने में सफल रहे हैं। बीच बीच में उन्होंने ऐसे कई दृश्य रखे हैं जो धोनी के फैंस को सीटी और ताली बजाने पर मजबूर कर देते हैं। धोनी के जीवन में परिवार, दोस्त, प्रशिक्षक और रेलवे में काम करने वाले उनके साथियों का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इस बात को उन्होंने अच्छे से रेखांकित किया है। रियल लोकेशन पर जाकर उन्होंने शूटिंग की है, जिससे फिल्म की प्रामाणिकता बढ़ गई है। आमतौर पर फिल्मों में खेल वाले दृश्य कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन इस मामले में फिल्म बेहतरीन है। सुशांत सिंह राजपूत में पहली ही फ्रेम से धोनी दिखाई देने लगते हैं। यदि सुशांत की जगह कोई नामी सितारा होता तो उसे धोनी के रूप में देखना कठिन होता। सुशांत ने अपने चयन को सही ठहराया है और अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है। बॉडी लैंग्वेज में उन्होंने धोनी को हूबहू कॉपी किया है। क्रिकेट खेलते वक्त वे क्रिकेटर नजर आए। इमोशनल और ड्रामेटिक सीन में भी उनका अभिनय देखने लायक है। अनुपम खेर, भूमिका चावला, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दिशा पटानी और कियारा आडवाणी ने अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। महेंद्र सिंह धोनी ने हमें गर्व करने लायक कई अवसर दिए हैं और फिल्म में उन्हें दोबारा जीना बहुत अच्छा लगता है। फिल्म में धोनी के खिलाड़ी जीवन की कुछ बातों का भले ही उल्लेख न हो, लेकिन आधुनिक क्रिकेट के इस हीरो की फिल्म देखी जानी चाहिए। इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।